किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी एक सफर है जो कभी भी रुकता नहीं। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बीती हुई जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हमें याद आने लगता है। मैं रानू, अपने बाबूजी की लाडली रानू, 13 बजे की रानू को कहाँ पता था कि एक दिन वो धर्मशाला की हरी भरी वादियों में होगी, घर से दूर, बाबूजी से दूर। माँ तो जन्म देते ही दुनिया से चली गई। मेरे बाबूजी ने ही मुझे माँ का प्यार और बाप का दुलार दिया। बाबूजी के साथ स्टेशन पर आती जाती गाड़ियों को देखते देखते मैं बड़ी हो गई। चाहे कुछ भी हो जाता पर बाबूजी खुद निवाला खाने से पहले मुझे खिलाते। आज मेरा पुत्र राजा। पुत्र, इसमें क्या है? इसमें मैं आपके लिए रोटी लेके आई हूँ। ओहो, मेरा रानू पुत्र अपने बाबूजी के लिए रोटी बना के लाया है? नहीं, रोटी तो आपने बनाई है, मैं सिर्फ डिब्बे में लेके आई हूँ। और मैं बाबूजी से अपनी चवन्नी मांगना नहीं भूलती थी। मेरे लिए उस चवन्नी की बहुत कीमत थी। रोटी खाते हैं सब लोग मिलके, रोटी खाते हैं। बाबूजी मेरी आज की चवन्नी। ओ रो रो, कहाँ चवन्नी चवन्नी, ये चवन्नी। बचपन बड़ा नादान होता है। मैं बिन माँ की रानू भी अपनी सहेली की बात पर विश्वास करके और जमीन में चवन्नी गाड़ कर रब से माँ मांग बैठी। पैसे जमीन में गाड़ लेते भाई गुरु जी तुझे भी माँ देंगे। अच्छा तू सच बोल रही है, मुझे भी माँ मिलेगी। और रब ने मेरी मुराद पूरी कर दी, मेरी नई माँ आ गई। ये मैं आपके लिए माला लाई हूँ, इसे पहना दूँ? नहीं चाहिए, खबरदार तू मुझे माँ का। सपने और उम्मीदें तो होते ही टूटने के लिए हैं। जिस माँ का मुझे इंतजार था वो इंतजार एक कड़वी सच्चाई बनकर खत्म हो गया। पर बचपन जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को कहाँ समझता है। मेरे उदास कदम भी न जाने मुझे कहाँ ले चले। मैं अपनी उदासी में इतनी खोई हुई थी कि मुझे आती हुई गाड़ी का शोर भी सुनाई नहीं दिया। पर तब न जाने वो कहाँ से एक मसीहा बनकर आया। ये तो मुझे थैंक यू कह कि मैं सुपरमैन की तरह पहुंच गया, नहीं तो आज तेरा डीएनडी हो जाता। बोल ना, बोलती क्यों नहीं? गूंगी है? गूंगी नहीं तो फिर बोलती क्यों नहीं? रात को अकेले इधर क्यों बैठी है? पता है कितने बज गए? 10। देख। और जाते जाते वो मुझे एक तोहफा दे गया। तोहफा कम या वो मुझे वक्त में बांध गया। मेरी जिंदगी उसकी कर्जदार हो गई, मेरी सांसों पर वो अपना एहसान चाहा गया। तो ये रख, जब भी तू उदास हो इसे देख लिया कर, और रात के 10 बजे ऐसे अकेले नहीं घूमते, ये सुपरमैन का ऑर्डर है। सुपरमैन तो ऑर्डर देकर चला गया पर भाऊजी बहुत घबरा गए थे। पता क्या टाइम हो रहा है, हमारी जान निकल गई थी। गुरु बस, गुरु बस, अब आ गई ना तो बस करना। हाँ चल, भरजाई तेरा इंतजार कर रही है, जा। मैं कहीं नहीं गई थी, बस मेरे और बाबूजी के बीच कोई और रिश्ता आ गया था। वो रिश्ता जो भाऊजी की पत्नी तो थी पर मेरी माँ नहीं थी। ऐसा ना किया कर पुत्र, तेरे को पता है ना तेरे भाऊजी तेरे से कितना प्यार करते हैं और हमेशा करते रहे। ऐसे ना किया कर पुत्र। मेरी उन गाड़ी हुई चवन्नियों के बदले में मुझे रोज माँ की बेरुखी नसीब हुई, पर मेरे बचपन ने चुप रहना सीख लिया था। माँ मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरी कंघी कर दो ना। कंघी कर दूँ तेरी? माँ, माँ। खबरदार जो मुझे माँ का। और सुन,
अगर ये बात मेरे बाबूजी से कही ना, मैंने कभी बाबूजी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबूजी भी उसी दर्द से गुजरे जिस दर्द को मैं रोज सहती थी। तू झूठ बोलती थी। झूठ बोलती थी तुम कि चवनी गाने से अच्छी माँ मिलती है। वक्त बदल गया, मेरे बाबूजी के बालों का रंग भी बदल गया, पर माँ नहीं बदली। मैं मन मारना सीख गई थी और शिकायत करना भी भूल गई थी। बर्तन मांझते मांझते तो तेरे हाथ भी घिस गए होंगे। चल ना। देख, तूने कहा था ना कि इस साल के बैसाखी के मेले में तू जरूर चलेगी। इससे पहले कि आंटी आ जाए और तुझे मेले में जाने से रोक ले, चल निकल चलते, बड़े मजे करेंगे मेले में। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? काम क्या इसकी माँ आकर करेगी? चल फूट यहाँ से। आंटी जी, इतने सालों में भी आपका डायलॉग नहीं बदला। इस बार तो बेचारी को जाने दो, बेचारी जब देखो घर का काम करती रहती है। हाय हाय, वड्डी आई इसकी तरफदारी करने वाली, खुद तो लूर लूर फिरती रहती है, अब इसे भी बिगाड़ेगी। अच्छा, कब देखा आपने मुझे लूर लूर फिरते हुए? जब देखो गुलामों की तरह काम कराती रहती हो। हाय रब्बा, मर जावा। तू इस तरह बदनामी करती रहती है मेरी अपने दोस्तों के साथ? जा जा जा, काम मैं कर लूंगी। चल छोड़ छोड़, जा जाके मेले में ऐश कर, सारा काम मैं कर लूंगी। सौतेली हूं मगर डायन नहीं। जानू चल। निम्मी तू जा, मैं काम खत्म करने के बाद आ जाऊंगी। लेकिन रानू तू। निम्मी मैंने कहा ना, तू जा। और नहीं सुनिया, जा। बढ़िया है अपनी वकालत करवाने वाली। चल काम कर। मैंने माँ की दी हुई हर तकलीफ झेली, पर बाबूजी के सपने को अपने दिल में बरकरार रखा। मेरे बाबूजी चाहते थे कि मैं टीचर बनूं, और जिस दिन वो सपना पूरा हुआ, मेरे बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबूजी, मैंने बीएड पास कर ली है। पास हो गई पुत्र? जी। बाबूजी की खुशी तो सातवें आसमान को छू रही थी, पर बाबूजी की पत्नी, उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। रानो दे हाथ पीले कर दे, तेनू ते मुंडा ढूंढने की लोड़ भी नहीं है। वो जिद कर बैठा है मेरा भतीजा गुल्लू, कहंदा है व्याह करेगा ते जी रानो नाल। अगर उस दिन बाबूजी साथ ना देते तो उनकी रानो जिंदगी भर अपने टूटे हुए अरमानों की सेज पर रोती रहती। ओ मास्टर जी, और तेरी रानू ना अब जवान हो गई है, मेरी गल मनो तो इसके हाथ पीले कर दो। ओए अपना समझता हूँ तो इसीलिए मैं सही सलाह दे रहा हूँ। वैसे भी जवान कुड़ी जो होती है ना, और माँ बाप के आंगन का बोझ होती है। मेरे घर का आंगन इतना कमजोर नहीं है कि जवान बेटी का बोझ ना सह सके। आप जाओ यहां से। और मेनू की? और मैं तो चला जाता है। ओ कल को ये आकड़ जो है ना, बड़ी महंगी पन्नी है। सत श्री अकाल। पता नहीं किस मनहूस दिन पैदा हुई थी लड़की। ऐसी औलादें माँ बाप के जी का जंजाल होती है। माँ के उगले हुए जहर ने तो जैसे बाबूजी की जान ही ले ली थी। उस दिन पहली बार मैंने बाबूजी को टूटा हुआ पाया।
जी जिन गाड़ियों को रास्ता दिखाते दिखाते मेरे बाबूजी की जिंदगी बीत रही थी, उस दिन वो उसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जिंदगी, अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद बस, मैंने उसी पल फैसला किया कि मैं बाबूजी के हर सपने को पूरा करूंगी। मैं टीचर बनूंगी और हमारे सपनों का पहला पड़ाव था धर्मशाला। मैंने तेरे धर्मशाला जाने का सारा इंतजाम कर दिया है। हाँ पुत्र, तेरा एडमिशन भी हो गया है, तुझे कल ही निकलना होगा पुत्र। ये थोड़े से पैसे रख ले, इतने दिन घर से बाहर रहेगी तो संभाल के रहना पुत्र। पर बाबूजी। पुत्र ना, ना पुत्र, कोई सवाल नहीं, बस एक जवाब दे पुत्र कि तू अपना और अपने बाबूजी का हर सपना पूरा करेगी। बाबूजी के आशीर्वाद से मैं धर्मशाला के लिए निकल पड़ी। मन में खुशी थी कि मैं बाबूजी का सपना पूरा करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पे एक घमंडी इंसान मिलेगा जो हर कदम पर मेरी रुकावट बनेगा। ओए तेरी मेरी किसे आन गया? ओए तू है कौन रे? रणबीर नाम था उसका। रणबीर और रानू, दोनों में एक फर्क है। दोनों का जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है, पर वो मेरी जिंदगी में कदम रख चुका था। वो तो माँ ने सिखाया है कि लड़कियों के साथ मुंह ना लगा कर, नहीं तो। और सुन, आइंदा से ना आदमी देखकर बात किया कर। अंधी है क्या? अंधे तो तुम हो, दिखाई तो तुम्हें नहीं देता। तुम्हें नजर नहीं आता कि वो बेचारे बच्चे थक चुके हैं और नाचना नहीं चाहते, लेकिन तुम सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए उन्हें नचा रहे हो। दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? सारा थानेदानी ना बन, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मुझे धर्मशाला आते ही उसके अहम का शिकार बनना पड़ेगा। ये लीजिए फॉर्म, हॉस्टल में रूम अलॉट करना है। लेकिन इस पर तो प्रिंसिपल साहब के हस्ताक्षर ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? प्रिंसिपल मैम तो अभी अभी चंडीगढ़ के लिए निकल गई, 3 दिन बाद आएंगी वो। एक रास्ता है, अगर भाई जी इस पर हस्ताक्षर कर दें तो आपका काम हो सकता है। भाई जी कौन है? सनी, मैडम को कमरा कब मिलेगा? जब इस फॉर्म पर तुम्हारे साइन होंगे। और मैं साइन तब करूंगा जब ये कल की हरकत के लिए मुझसे गिड़गिड़ाकर मुर्गा बन के माफी मांगेगी। उसका अभिमान और मेरा स्वाभिमान आपस में उलझ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर हंसना भी चाहेगी तो भी मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा।
उसने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की और जिस दिन उसने मुझे होटल से निकलवा दिया उसे लगा कि वो जीत गया। मैनेजर साहब, मेरे कमरे में ये गैर लोग क्या कर रहे हैं? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज मैम। और सुन, मेरी बात मान, लौट जा तू अपने शहर। मेरा स्वाभिमान मेरी जिद बन चुका था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इस बिगड़े हुए रईस जादे को ठीक करके रहूंगी। आखिर महात्मा बुद्ध का ज्ञान काम आ ही गया। मेरे एक बार कान पकड़ने से रणवीर इतना शर्मिंदा हुआ कि बार बार माफी मांगने लगा। पर जब मैंने उसे वेकेशन टूर पे जाने की इजाजत नहीं दी तो सुबह तक माफी मांगने वाला रणवीर रात को मुझे धमकी देने लगा। मुझे तू क्या, इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी मुझे नहीं रोक सकती इस टूर पे जाने से, समझी? मैं टूर पर जाके रहूंगा, देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके। रब ने दुनिया में कितने अलग अलग इंसान बनाए हैं। एक वो था जिसने एक रात मसीहा बनकर मेरी जिंदगी बचाई और जो आज साथ ना होते हुए भी हर पल मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, और एक ये रणबीर है जो मेरे हर रास्ते में मुश्किल बनकर आ जाता है। मैम,